हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीएसआईआर नेट। तो आज मैं वापस से अपने चैनल पर फिर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो बनाना, लेक्चर्स डालना। तो इसमें मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करूँगी मॉलिकुलर बायोलॉजी, और मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन टॉपिक। मैंने आप लोगों के कमेंट एंड रेस्पॉन्स आपका देखा कि वापस से लेक्चर से स्टार्ट कर दीजिए, क्लास ले लीजिए, तो मैं फिर से स्टार्ट करने की सोच रही थी। मुझे बीच में टाइम नहीं मिला था तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्लासेस वापस से स्टार्ट कर दूँ। तो गाइज मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ठीक है। तो हम इसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिकुलर बायो को मैं सबसे पहले एक एक यूनिट वाइज करेंगे। फर्स्ट हम मॉलिकुलर बायो को कंप्लीट कर लेंगे। मॉलिकुलर के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, रेप्लिकेशन हो गया, जैसे आपकी पाथफाइंडर बुक है, बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि देखिए पढ़ना हम सबको है, हमारे पास सारा मटेरियल भी है, लेकिन ये यूज कैसे करना है मटेरियल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बुक हमारे पास सफिशियंट है, बुक नेट जो नेट का पेपर है हमारा क्लियर करने के लिए पाथफाइंडर की बुक सफिशियंट है, लेकिन इसको मतलब एक इंफॉर्मेशन हम कैसे गेन करें, हमारे पास मटेरियल सारा है लेकिन यूज कैसे करें इस मटेरियल को, ठीक है। तो इधर उधर मत फैलिए, आप एक बुक पकड़ लीजिए और एक बुक को ही बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको पेपर क्रैक करने के लिए। तो जैसे कि हम पाथफाइंडर में है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है, अब आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी, सारा लेक्चर आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। रेप्लिकेशन की सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन, जैसे बुक वाइज टॉपिक हैं, बुक का एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको कोई भी दिक्कत हो टॉपिक में आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप अपना रेस्पॉन्स मुझे देते रहें ताकि मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगे। मॉलिकुलर बायो है आपकी, एक एक वीक में मैं एक एक यूनिट आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरे जो लेक्चर्स हैं उनसे आपको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, ये नहीं कि बस ये ऐसे ही चलता रहे, नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिकुलर बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट का वेटेज बहुत है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारा रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, डीएनए रिपेयर हो गया, इसमें से सभी जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कौन सा, रेप्लिकेशन के बारे में जानते आप सब होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, तीन चीज़ें होती हैं, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए को ही डीएनए का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में, अब इसमें भी एंजाइम्स, हमारे जो ये जो फंक्शन हो रहा है इसमें एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंजाइम नहीं हो ना तो ये सारी रिएक्शन से प्रॉपर नहीं हो पाएंगी और इजीली नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो कैटलाइज किसके द्वारा की जाती है रिएक्शन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये मैं आपको सारा बताऊंगी, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू है आपको भी पता चल जाए। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन। किसके द्वारा किया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, हम डीएनए जो है डीएनए से हम आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, आरएनए का फॉर्मेशन किया जा रहा है डीएनए से, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन बनेंगी, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का यूज होगा, अमाइनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। रेप्लिकेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास जीनोम होता है, जीनोम के अंदर क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए जो है हमारा जीनोम है उसको रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि डॉटर सेल है, सेल साइकिल के अंदर क्या होती है, एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल बनती है, ठीक है, मियोसिस में चार बनती हैं। तो रेप्लिकेशन होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, सारी जो डॉटर सेल है उसको प्रॉपर सभी को जीनोम क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, जो पेरेंट का जीनोम है। तो इसके लिए क्या की जाती है, पेरेंट का जो जीनोम है एज इट इज ऐसा ही होता है, उसकी कॉपी बनाई जाती है। कॉपी किसके द्वारा की जाएंगी, रेप्लिकेशन के द्वारा की जाती है। जैसे हम फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो एक हमारे पास होता है मटेरियल, उसको हम फोटोस्टेट वाले के देते हैं, तो वो हमें क्या देता है, बहुत सारी कॉपीज निकाल के देता है। तो सेम ऐसे ही रेप्लिकेशन की क्या की जाती है, कॉपी की जाती है, और ये जो कॉपी है ये किसको, डॉटर्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या दे रखा हमारी बुक में, ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज क्रूशियल टू सेल प्रोपिगेशन। तो एक सेल को प्रोपिगेट करने के लिए ट्रांसमिट करना, क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, सेल टू सेल ट्रांसफर किया जाएगा। रेप्लिकेशन क्या किया जाएगा, हम डीएनए को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे सेल टू सेल, ठीक है, सेल टू सेल, या फिर क्या कहेंगे हम इसे, डॉटर सेल को क्या किया जाता है, डॉटर सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। अब पेरेंट से डॉटर के पास में क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसको ट्रांसफर किया जाएगा बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे, रेप्लिकेशन के थ्रू। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो जो डॉटर सेल है उसको डीएनए नहीं मिल पाएगा, क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए जनरेशन टू जनरेशन इज क्रूशियल टू सेल प्रोपेगेशन, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, जब एक्यूरेटली रेप्लिकेट, मतलब कि ये हो गया हमारे पास में जीनोम, अब इसका क्या किया जाएगा, क्रोमोसोमल डीएनए इसकी एक कॉपी बनेगी। ये जो कॉपी है, अब पेरेंट का तो पेरेंट के पास में रहेगा, ठीक है, अब पेरेंट के जो जीनोम है, क्रोमोसोमल डीएनए है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना ली हमने, अब ये कॉपी किसके पास जाएगी, डॉटर के पास जाएगी। डॉटर को क्योंकि चाहिए क्रोमोसोमल डीएनए, डीएनए तभी तो हम कहते हैं कि हमारे पास माँ बाप के जीन है, उनकी कॉपी है, क्यों हम दिखाई देते हैं अपने पेरेंट के जैसे, हमारे नोज शेप हो गई, आई कलर हो गया, आई शेप हो गया, हेयर कलर हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास उनका डीएनए है, जीन हमने कहाँ से इनहेरिट किए, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए। तो पेरेंट का जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो हमारे अंदर है, उसकी कॉपी रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के थ्रू प्रोजेनी के पास जाती है, ठीक है। तो पेरेंट से क्या किया जाएगा, डॉटर के पास आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती कैसी है, हम ये एग्जैक्टली देखेंगे। हमने ये चीज़ तो देख लिया कि रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए की कॉपी और प्रोजेनी को ट्रांसफर, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये मेथड हम आपको बताएंगे। देखिए, मैंने आपको तीन चीज़ बताई, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। अब ये जो रेप्लिकेशन है ये एंटायर जीनोम का किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, स्टार्ट कोडोन से लेकर के, जैसे कि ये पूरा हो गया हमारे पास में डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, इतना सा पार्ट है, यहाँ पे हो गया स्टार्ट कोडन, यहाँ पे हो गया स्टॉप कोडन। तो हमें इतने से पार्ट का क्या करना है, कॉपी करनी है या फिर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सेलेक्टिव पोर्शन होता है जीनोम का या डीएनए का, सेलेक्टिव पोर्शन होता है, उसी की क्या की जाती है, कॉपी की जाती है, या फिर हम जो है वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, रेप्लिकेशन में टोटल पूरा का पूरा एंटायर जीनोम की कॉपी की जाती है, देन प्रोजेनी को ट्रांसफर किया जाएगा। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में एक सेलेक्टिव पोर्शन होता है, जैसे कि स्टार्ट कोडन टू स्टॉप कोडन हो गया, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, ठीक है। और जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में पूरी की पूरी जो जीनोम है, एंटायर जीनोम की कॉपी की जाती है। ये मेन डिफरेंस आप ये याद रखना। अब रेप्लिकेशन भी तीन टाइप के हैं हमारे, रेप्लिकेशन के तीन टाइप हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कितने टाइप का है रेप्लिकेशन आपका, रेप्लिकेशन के थ्री टाइप हैं। फर्स्ट हो गया सेमी कंजर्वेटिव नेचर का, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड हो गया आपका कंजर्वेटिव, एंड थर्ड हो गया आपका डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब कंजर्व से आप सभी जानते हैं कि सुरक्षित, या फिर एज इट इज कंजर्व करके रखा हुआ है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब कि हाफ, कंजर्वेटिव कंजर्व, तो हाफ कंजर्व रहेगा, हाफ नया आएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव में टोटली फुल्ली क्या होगा, कंजर्व रहेगा। एंड डिस्पर्सिव के अंदर क्या होगा, जगह जगह पे कंजर्व होगा, जगह जगह पे कहीं कहीं पे क्या होगा, नया डीएनए आपको देखने को मिलेगा। सेमी कंजर्वेटिव, तो देखिए
सेमी कंजर्वेटिव को क्या है, वॉटसन और क्रिक ने इसके ऊपर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की दी थी 1953 में। रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे थे, इसमें सबसे पहले हम डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दी थी वो किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, हेलिक्स स्ट्रक्चर दी थी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दी थी डीएनए की 1953 में दी थी। 1953 में इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कि पेयरिंग वाइज नेचर, जैसे कि एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, डबल बॉन्ड बना करके थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बना करके साइटोसिन के साथ में। ये सारे जो बेसिस हैं हमारी इसमें पाए जाएंगे डीएनए के अंदर, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, और इनके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होगा। एडेनिन किसके साथ में, थाइमिन के साथ में पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में पेयर करेगा, और ये डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लाइक बना लेंगे। हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर हमें किसने दी थी, इसकी स्ट्रक्चर को किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होंगे, एडेनिन थाइमिन के साथ में पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में पेयर करेगा। अभी ये जो आप कॉम्प्लीमेंट्री नेचर देख रहे हो, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव के मोड से बताएंगे। तो जो सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा, हमारा जो हाफ पार्ट होगा वह कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, 5' to 3' डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, 5' to 3'। अब इसमें हम कह देंगे कि हमारा हाफ तो क्या हो गया, कंजर्व हो गया, तो एक पार्ट ये हो गया 3' to 5' और 5' to 3', ठीक है, ये हो गया, पहले से टेम्पलेट की तरह काम करेगा, पेरेंट हो गया ये, है ना। अब इससे कॉपी बनेगी, इससे कॉपी बनेगी 5' to 3', 5' to 3', ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव यहाँ पे पहली कॉपी है, पहले से फर्स्ट कॉपी है, जबकि ये वाली कैसी है, न्यू है। ये कैसा है, न्यू है, और ये कैसा है, ओल्ड है। सेमी कंजर्वेटिव, हाफ कंजर्व हो गया, हाफ क्या हो गया, नया हो गया, कंजर्वेटिव। और देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के अंदर क्या किया गया है कि जब वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, दी एडेनिन ग्वानिन थाइमिन के साथ में पेयर करेगा, एंड जो ग्वानिन है वह साइटोसिन के साथ में पेयरिंग करता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब सेपरेट किया गया दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड को, इनमें से एक टेम्पलेट की तरह, ये वाला क्या कर रहा है, जो ओल्ड स्ट्रैंड होगा वह टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और इससे ही हमारी नई जो रेप्लिकेशन होगा किस एंजाइम के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, ये एग्जैक्ट पूरी की पूरी कॉपी बना दी जाएगी, पेरेंट की कॉपी कर दी जाएगी, ठीक है, सिंथेसाइज किया जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड। तो ये क्या है, हमारा नया जो है ये डॉटर है, टेम्पलेट की तरह जो काम करेगा वह क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। आपको समझ आ गया, सेमी कंजर्व हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाफ हमारा पुराना पोर्शन है और हाफ क्या है, नया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जबकि जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड की हम बात करें, तो कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर पेरेंटल डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स टेम्पलेट की तरह काम करेगा, नए डॉटर डीएनए डबल हेलिक्स के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया था, हाफ ऑफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेरेंट हो गया 5' to 3', 3' to 5', ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड कंजर्व ही रहेगा, 5' to 3', 3' to 5', और यहाँ पे टोटली जो नया आएगा ये हो गया न्यू और ये हो गया ओल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या हो गया स्टूडेंट, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा डबल स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, सेपरेट नहीं हुआ, हमारे पास में नया कॉपी बना है, ठीक है। जबकि जो डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की हम बात करें, डिस्पर्सिव के अंदर क्या है, कुछ पार्ट जो है वो ओरिजिनल पेरेंटल का कंजर्व रहता है, जबकि कुछ पार्ट नहीं रहता है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ पार्ट कंजर्व रहेगा, कुछ पार्ट जैसे कि ये हो गया, ठीक है, 5 to 3। अब इसमें से भी यहाँ से पूरा का पूरा कंजर्व हुआ, ये कंजर्व हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, नया कॉपी आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ कर लो आप, 5 to 3, यहाँ ये क्या हो गया आपका, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जगह जगह पे आपकी पुरानी कॉपी है, कहीं कहीं आ गई आपकी नई कॉपी, ठीक है, न्यू ये हो गया ओल्ड,
ओल्ड और ये हो गया न्यू। तो ये मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव नेचर। हम इसमें से किसको स्टडी करेंगे, हम करेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर की स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर देखिए मैसलसन और स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्सपेरिमेंट है ये आ जाता है वैसे पेपर में। मैसलसन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के ऊपर। इसके ऊपर यही एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे, किसने किया था इसमें मैसलसन एंड स्टॉल ने किसके ऊपर किया था ये एक्सपेरिमेंट, ऑन इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर ये किया गया था इन 1958 में। इकोलाई के ऊपर मैसलसन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, इकोलाई को किस में ग्रो कराया था, नाइट्रोजन 15 लेबल्ड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के एक सॉल्यूशन के मीडियम में क्या किया ना इन्होंने, ग्रो कराया इकोलाई को। तो इन्होंने क्या देखा कल्चर में, इन्होंने क्या देखा, देखो एक हम करते हैं नाइट्रोजन 50 का यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। नाइट्रोजन 50 एन 15, ठीक है, एन 15 ये हो गया, एन 50 का कल्चर हो गया। अब इस एन 50 को ग्रो कराया किसके अंदर, एन 50 को ग्रो कराया एन 40 के अंदर, ठीक है, एन 40 के अंदर जब इसको ग्रो कराया। अब नेक्स्ट आएगा एन 40, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉपी क्या हो जाएगी एन 15 की, और एक क्या हो गया एन 14 का, ठीक है, एक हो गई एन 15, एक हो गई एन 14। अगेन इसको क्या करेंगे, एन 15 और एन 40 को फिर से एन 40 के मीडिया में ग्रो कराया जाएगा एन 40। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एन 50 ऐसे कर दूँ, एन 50 एन 50, अब 40 के मीडिया में ग्रो कराएंगे तो एक केस कौन सी कॉपी हो जाएगी एन 14 एन 14, ठीक है। और ये जो एन 14 की है ये वापस से जब N40 की मीडिया में ग्रो कराई जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी N14। तो यहाँ पे आपको सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, यहाँ पे ये कंजर्व, ये हमारा हाफ पेरेंटल है, ये जो नया है ये क्या हो जाएगी डॉटर की कॉपी हो जाएगी। तो एक हो जाएगा हाइब्रिड N14 और N15 का, और एक हो जाएगा N14 और 14 का, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या शो करेगा, सेमी कंजर्वेटिव, हाफ क्या होता है कंजर्व होगा, हाफ क्या होगा नया होगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेप्लिकॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आपकी बुक में नया टॉपिक जो है वो, ये रफ कर दूं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉन हम किसे कहेंगे, रेप्लिकॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन क्या है गाइस, रेप्लिकॉन है डीएनए के अंदर एक यूनिट, डीएनए के अंदर एक यूनिट है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे रेप्लिकॉन। ऐसे ही कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है, जो प्रॉपर क्रोमोसोमल डीएनए है उसके पास में स्टार्ट करने के लिए ओरिजिन होता है जिसमें कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
एंजाइम है, एंजाइम के पास में भी रिकॉग्निशन साइट होती है, बाइंडिंग साइट होती है, वो तभी प्रॉपरली क्या करता है, उन्हीं पर्टिकुलर साइट से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ही अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो देखिए डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट स्टार्ट रैंडम लोकेशन, लेकिन एक पर्टिकुलर साइट है, पर्टिकुलर साइट जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर साइट है, रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर साइट इन डीएनए स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रैंडम लोकेशन से स्टार्ट नहीं होता है रेप्लिकेशन के लिए भी, एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यूनिट जो डीएनए की जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन जैसे कि ये हो गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज रेप्लिकॉन। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज रेप्लिकॉन। ठीक है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, अब देखिए रेप्लिकेशन भी क्या है, बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल दोनों से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन। कैसा होता है रेप्लिकेशन, कुछ यहाँ पे क्या है कैरेक्टर हैं इसके, वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। देखिए रेप्लिकॉन क्या हो गया, जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे रेप्लिकेशन कहेंगे। रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैसा होता है, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन इनिशिएशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनली होता है, दोनों डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, बाई डायरेक्शनली होता है और यूनि डायरेक्शनल। सिंगल डायरेक्शन से होगा उसे यूनि डायरेक्शनली कहेंगे, और जब दोनों डायरेक्शन में स्टार्ट होगा तो उसे बाई डायरेक्शनल कहेंगे, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इकोलाई क्या है, प्रोकैरियोट है, और ईस्ट क्या है आपका, यूकैरियोट है। तो आपका जो प्रोकैरियोट है वह कैसा होता है, मोनोरेप्लिकोनिक, मोनोरेप्लिकोनिक एंड मल्टीरेप्लिकोनिक। जब एक सिंगल यूनिट हो रेप्लिकेशन की उसे क्या कहेंगे, मोनोरेप्लिकोनिक कहेंगे, जब मोर देन हो, सिंगल एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, मल्टीरेप्लिकोनिक कहेंगे। तो इकोलाई जो है उसके पास में क्या है, एक रेप्लिकॉन होता है जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोरेप्लिकोनिक कहेंगे, जबकि यूकैरियोट के पास में क्या है, मल्टीपल ऑरी होते हैं, मल्टीरेप्लिकोनिक होता है। ठीक है, ईकोलाई कैसा होता है, मोनोरेप्लिकोनिक होता है, सिंगल बैक्टीरियल क्रोमोसोम 4.6 मेगा बेस पेयर का होता है ईकोलाई का जीनोम जो होता है, जिसमें एक ही रेप्लिकॉन होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मोनोरेप्लिकोनिक कहा जाएगा। प्रोकैरियोट में कैसा होता है, मोनोरेप्लिकोनिक होता है, मोनोरेप्लिकोनिक, वन रेप्लिकॉन। इसमें हम किसका एग्जांपल देखेंगे, ईकोलाई का। ईकोलाई के जीनोम का साइज कितना है, 4.6 मेगा बेस पेयर है इसके जीनोम का। ठीक है, क्रोमोसोम जीनोम है, और हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट, यूकैरियोट में क्या होती हैं, मल्टी रेप्लिकोनिक हैं, मल्टी रेप्लिकोनिक, मोर देन वन रेप्लिकॉन। इसमें किसका एग्जांपल आएगा आपका, ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट का कितना होता है आपका, यूकैरियोट का जीनोम स्मॉल होता है, कितना होता है, 4200 के बी साइज का होता है, 4200 किलो बेस पेयर। ठीक है, इन साइज में अब देखिए ये जो मोनोरेप्लिकोनिक मल्टीरेप्लिकोनिक डीएनए है इसमें सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, तो ये जो ओरी के जो सीक्वेंस हैं, ओरिजिन जो सीक्वेंस हैं, ओरिजिन के सीक्वेंस कैसे होते हैं, ओरी के सीक्वेंस कैसे होते हैं, सिस एक्टिंग। दो टाइप के सीक्वेंस पाए जाते हैं, सिस एक्टिंग होते हैं, एक होते हैं ट्रांस एक्टिंग। सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में इनका रोल नहीं होता है, जबकि जो ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस होते हैं
वो प्रोटीन ट्रांसलेशन में या प्रोटीन फॉर्मेशन में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन कैसा है, सिस एक्टिंग सीक्वेंस है, सिस एक्टिंग सीक्वेंस है। और ये कैसे होते हैं, ओरी के जो सीक्वेंसेस होते हैं, ओरिजन सिस एक्टिंग होते हैं, एटी रिच सीक्वेंस होते हैं। मोस्टली जो सिस जो ओरिजन होता है वहाँ पर कैसे डीएनए के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन में होते हैं डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन में होते हैं सिंगल बॉन्ड। डीएनए को हमें रेप्लिकेट करना है, डबल स्टैंड डीएनए है तो उसको मेल्ट करना पड़ेगा, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट होगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा और देन हम क्या करेंगे, उसकी कॉपी करेंगे। तो जब हमारा जो मतलब कि कम मजबूत बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन थाइमिन की सिंगल डबल बॉन्ड है, जबकि उसमें कैसे हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वह क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेल्ट करने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा, मेल्ट करने में क्या करता है ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए एटी रिच सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। एटी रिच क्या हो जाते हैं, इजीली मेल्ट हो जाएंगे कंपेयर टू जीसी सीक्वेंसेस, ठीक है, कंपेयर टू जीसी सीक्वेंस इजीली क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाएंगे। इकोलाई के अंदर जो ओरिजन होता है, ओरी सीक्वेंसेस होते हैं इकोलाई में, उसे क्या कहा जाता है, ओरी सी इन इकोलाई इसे क्या कहा जाएगा, ओरी सी कहा जाएगा। इकोलाई के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है, ओरी सी कहा जाएगा। और ये जो ओरिजन साइज है कितने का होता है, 245 बेस पेयर का होता है, ठीक है। और ये जो होता है ओरिजन का जो सीक्वेंसेस है, इन्हें इकोलाई में ओरी सी कहा जाएगा। और ओरी सी का साइज कितना होता है डीएनए के अंदर, 245 बेस पेयर का, 245 बेस पेयर में ओरी सी होता है आपका। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन के भी आपके तीन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तीन स्टेप कौन कौन से हैं, इनिशिएशन एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, स्टार्ट में आएगा आपका फर्स्ट इनिशिएशन। तो ओरी सी है, सबसे पहले सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, वो सब आएंगे और इसी के पास में आएंगे। तो एक प्रोटीन है डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है, ये जो ओरी सी है इसके पास में क्या पाए जाते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, 9 मर के रिपीट पाए जाते हैं और 13 मर के रिपीट पाए जाते हैं। 9 मर की 5 कॉपीज होती हैं और 13 मर की कितनी होती हैं, 13 मर के होते हैं 3, ठीक है, 13 मर के होते हैं 3 और 9 मर की होती हैं 5। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन है इसके साथ में जब एटीपी बाइंड रहता है, डीएनए ए प्रोटीन के पास में, जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, ये हो गया आपका ओरी सी, ठीक है, ओरी सी के पास में यहाँ हम बना देते हैं 9 मर की 5 कॉपीज, 1, 2, 3, 4 और एक ये हो गई 5। तो ये हो गई 9 की, ये हो गई 9 की, ये हो गई 9 की, ये हो गई 9 और ये हो गया 9, ठीक है। और यहाँ बना देते हैं 13 की, 1, 2, 3 तेरे का, ठीक है। जब डीएनए ए प्रोटीन के पास में एटीपी बाइंड होगा, याद रखना एटीपी बाइंड होगा तभी ये 9 मर के साथ में बाइंड करेगी, जब इसके पास में एडीपी बाइंड होगा तो ये बाइंड नहीं करती है। तो डीएनए ए इन एटीपी कंडीशन, एटीपी बाइंड कंडीशन, बाइंड विद 9 मर एंड देन इंटरैक्ट विद 13 मर, देन डीएनए क्या होगा, मेल्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपकी बुक में, दो मोटिफ होते हैं 9 मर के होते हैं एंड दूसरा क्या होता है 13 मर का होता है। तो 9 मर के जो रिपीट हैं उनकी कितनी कॉपी है, पूरे के पूरे ओरिजिन, ओरिजन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें कितनी कॉपी है, 5 कॉपी है 9 मर की और 13 मर की कितनी है, 3 कॉपी है, ठीक है। बाइंडिंग साइट है, अब ये है बाइंडिंग साइट, ये क्या है ओरी डीएनए, ओरी यहाँ पे क्या बाइंड होगा, डीएनए ए एटीपी यहाँ से क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है, याद कर लिया। ये डीएनए ए एटीपी की बाइंडिंग होगी डबल हेलिक्स के साथ में, देन वह क्या हो जाएगी, मेल्ट होगी 13 मर के रिपीट से, ठीक है। और इसी के पास में क्या है, जीएटीसी के
सीक्वेंसेस पाए जाते हैं. और इसी जो है इसमें GATC ग्वानिन एडिनिन थायमिन साइटोसिन, ठीक है. लेकिन यहाँ पर भी ये फुली मिथाइलेटेड कंडीशन एक आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि रेप्लिकेशन होगा इन फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में, फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में और अनमेथाइलेटेड कंडीशन में. तो आप क्या कहेंगे, फुली मिथाइलेटेड कंडीशन में जब तक मिथाइलेटेड नहीं होंगे एडिनिन साइटोसिन तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है. रेप्लिकेशन के लिए फुली मिथाइलेटेड होना चाहिए, हेमी मिथाइलेटेड हाफ, अनमिथाइलेटेड ये कंडीशन नहीं चलेगी. फुली मिथाइलेटेड स्टेट में ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है. ये तो हो गया हमारा किसका, इकोलाई का. इकोलाई में हमने बात कर लिया, इकोलाई में हमने क्या बात कर लिया, देखें ओरिजन, ओरिजन चाहे इकोलाई का हो यूकेरियोट का हो दोनों में ही जो सीक्वेंसेस होते हैं कैसे होते हैं, सिस एक्टिंग सीक्वेंस होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इकोलाई के अंदर इसे क्या कहा जाता है, ओरिसी कहा जाता है. ओरिसी कहा जाएगा, ओरिसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, 9 मर की 5 कॉपीज होती हैं, 13 मर की 3 कॉपीज होती हैं, ठीक है. और जो डीएनए एटीपी है, डीएनए एटीपी पहले बाइंड करेगा 9 मर के साथ में, 9 मर के साथ में इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद में 13 मर से क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगी, देन रेप्लिकेशन इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन में तो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपना एक स्टेबिलिटी बनाएंगे, बेस आधार तैयार करेंगे, देन एलोंगेशन में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं किसकी, यूकेरियोट के अंदर क्या पाया जाता है. यूकेरियोट की हम बात करेंगे, यूकेरियोट में कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्या टॉपिक दे रखा है, डीएनए पॉलीमरेज का, और देन रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. क्योंकि आपको पॉलीमरेज के बारे में डायरेक्टली मैं बता सकती हूँ रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वही है फिर बुक के अकॉर्डिंग चलना ही ठीक है, क्योंकि आगे पीछे भागना सही नहीं है. आप बुक को बेस मान के पढ़ रहे हो तो जैसा बुक में लिखा हुआ है मैं उसके साथ ही आपको कराऊंगी. नेक्स्ट आपका क्या है, ओरिजन इन यीस्ट. यीस्ट हम किसको ले रहे हैं इसमें, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना. ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन इन बर्डिंग यीस्ट में क्या कहा, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओरिसी कह रहे हैं, है ना. इकोलाई के अंदर, इकोलाई में आपको ना नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी या फिर एक अलग से चैनल बना दूंगी. जो जो गाइज आप देखते हैं मेरी वीडियोस, कमेंट करते हैं, उन सब का एक चैनल अलग से बना दूंगी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है. और उन, क्योंकि जो पढ़े उसी को भेजने में फ़ायदा है, फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करें. पीडीएफ भेज दूंगी मैं एक अलग से चैनल बना के, आप लोग कमेंट कर देना या फिर अपना टेलीग्राम चैनल पर मुझे हाई भेज देना, ठीक है. इकोलाई, इकोलाई में हम क्या कह रहे हैं, ओरिजन सीक्वेंस को क्या कह रहे हैं, ओरी सी, है ना. और जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के अंदर क्या कहते हैं हम इसे, ए आर एस ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं. ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, ठीक है. उन्हें हम क्या कहेंगे, ARS कहेंगे. ARS क्या है, छोटा होता है इकोलाई से. इकोलाई का जो ओरिसी है कितने का होता है, 245 बेस पेयर का है, जबकि जो ARS है ये कितने का होता है, 200 बेस पेयर का होता है, 200 बेस पेयर का, ठीक है. यहाँ पे 400 ARS होते हैं ईस्ट के जीनोम में. ARS को हम क्या कह रहे हैं, ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. यूकैरियोट में क्या है, सिंगल है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मोनोरेप्लिकोनिक कहा गया, मोनोरेप्लिकोनिक. यहाँ पे कितने हैं, कितने बता रहा है ये, 400 ARS है ईस्ट के जीनोम में, 400 ओरी प्रेजेंट हैं ईस्ट के जीनोम में, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मल्टी रेप्लिकोनिक. आ गया आपको समझ में, मल्टी रेप्लिकोनिक, इसलिए इसे क्या कहा गया है, मल्टी रेप्लिकोनिक कहा गया है, ठीक है. अभी जो ARS है, जैसे कि ओरिसी के पास में कितने थे, 9 मर और 13 मर, ठीक है. और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, डोमेन होंगे ARS के अंदर. ARS हम किसे कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है एक यूनिट, ठीक है. यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, इसके पास में होंगे ए डोमेन होगा, ए डोमेन होगा, बी डोमेन होगा, बी डोमेन होगा और होगा सी डोमेन,
सी डोमेन। अब इन तीनों डोमेन का काम क्या है, अलग अलग है। तो देखिए ए डोमेन जो है वो इसका काम क्या है, 200 बेस पेयर की होती है, इकोलाई का 245 का हो गया, तीन डोमेन है। ए जो डोमेन है इसके पास में क्या है, 11 बेस पेयर के 80 रिच सीक्वेंसेस हैं। ए के पास में क्या है, 11 बेस पेयर के 80 रिच सीक्वेंसेस, और इसके पास में क्या है, ए आर एस कंसेंसस सीक्वेंस है, जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होगा, ए आर एस कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं इसके पास में। बी डोमेन के पास में क्या है, डीएनए की अनवाइंडिंग के सीक्वेंसेस हैं। बी के पास में क्या है, डीएनए अनवाइंडिंग सीक्वेंसेस, डीएनए अनवाइंडिंग सीक्वेंसेस हैं बी के पास में। सी के पास में क्या है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन और स्टिमुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं इसके पास में, ठीक है। इसके पास में क्या होते हैं, जो कि अनवाइंडिंग को स्टिमुलेट करती है। डीएनए के अनवाइंडिंग के होंगे बी के पास में। सी के पास में डीएनए प्रोटीन इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये, और इसका क्या होता है, स्टिमुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए, और इसका क्या रोल है, और इसका क्या रोल है, इसके पास में स्टिमुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, स्टिमुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं इसके पास में, स्टिमुलेटरी सीक्वेंसेस होंगे। मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, डीएनए की अनवाइंडिंग सीक्वेंसेस यहाँ पे हैं, तो मेल्टिंग डीएनए की बी डोमेन से स्टार्ट होगी। मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, बी डोमेन से होगी, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट में, इकोलाई में क्या बाइंड होता है, सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होती है, डीएनए ए के साथ में एटीपी बाइंड कर दो, ठीक है, ये बाइंड होती है, तब रेप्लिकेशन का क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट होती है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, ओआरसी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, ओआरसी क्या करेगा, बाइंड करेगा, ये जो डोमेन है ए डोमेन बी डोमेन सी डोमेन, यहाँ पे आकर के क्या बाइंड करेगा, ओआरसी बाइंड करेगा, और जब ओआरसी बाइंड हो जाएगा एरो बी वन के साथ में, तो क्या होगा, रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ए डोमेन और बी वन डोमेन बाइंड होते हैं ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स के साथ में, ओआरसी जो कॉम्प्लेक्स है इसके पास में 6 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, 400 किलो डाल्टन का इसका मास होता है। जी वन फेज में क्या होता है, एटीपी बाइंड CDC6 प्रोटीन। देखिए सेल साइकिल की स्टेज होती हैं, जी वन हो गया, एस फेज हो गई, जी टू फेज हो गई, एम फेज हो गई, ठीक है, चार फेज होती हैं। जी वन फेज को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जहाँ पर प्रिपरेशन होता है रेप्लिकेशन का। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा, तो ये सारी प्रोसेस आपकी कहाँ होगी, सेल साइकिल के एस फेज में होगी। तो जी वन में हम तैयारी कर रहे हैं रेप्लिकेशन की, जैसे शादी होती है ना, तो शादी की सबसे पहले तैयारी की जाती है, सामान इकट्ठा किया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है, देन लास्ट में क्या होती है, शादी होती है, तो वही कंडीशन हो गई, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे और देन रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो देखिए जीवन जो सेल साइकिल है, जीवन सेल साइकिल के अंदर क्या होता है, CDC6 प्रोटीन है, CDC6 प्रोटीन क्या करती है, बाइंड होती है ओआरसी के साथ में, एटीपी बाउंड, जैसे डीएनए ए के साथ में एटीपी है, ऐसे ही CDC6 के साथ में एटीपी बाइंड होगा, और ये बाइंड होगी वह किसके साथ में, ओआरसी के साथ में, ठीक है, ये बाइंड हो जाएगी ओआरसी के साथ में। CDC6 प्रोटीन क्या है, एक अनस्टेबल प्रोटीन है, इसके पास में एटीपी है, तो एटीपीएज एक्टिविटी होगी, एटीपीएज स्टेबल हो गया तो हम कहेंगे कि ये इस कंडीशन में ही रहेगी, मतलब ये अनस्टेबल है तो इसके पास में एडीपी भी बाउंड होता होगा और एटीपी भी बाउंड होता होगा, तो एटीपीएज एक्टिविटी के एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एडीपी आ जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। अभी एटीपी बाइंड कंडीशन में ये ओआरसी के साथ में बाइंड होगी, CDC6 के बाद में ये लिख देते हैं हम इसका क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये है अनस्टेबल प्रोटीन है और इसके पास में क्या होती है, एटीपीएज एक्टिविटी होती है, ठीक है, एटीपीएज एक्टिविटी होती है, अनस्टेबल प्रोटीन होती है CDC6, और ये जो CDC6 है इसकी प्रेजेंस में MCM की क्या होती है, 2 कॉपी बाइंड होती है ओआरसी के साथ में, ठीक है, CDC6 बाउंड हो गई ओआरसी के साथ में, अब इसके साथ में क्या होगी, MCM की 2 कॉपी। MCM आपको पता है क्या है, मेंटेनेंस मिनी क्रोमोसोम। MCM क्या है आपका, हेलिकेज है,
हेलिकेज, हेलिकेज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉम्प्लेक्स डीएनए है आपका या फिर डबल हेलिक्स डीएनए, उसको क्या करता जाएगा, सेपरेट करता जाएगा, अलग करता जाएगा, दूर दूर करता जाएगा, कैंची का काम करता है हेलिकेज। तो रेप्लिकेशन चलता जाएगा आगे और डीएनए को वह क्या करता जाएगा, अलग करता जाएगा। ठीक है, एमसीएम की दो कॉपी अलाउ हो जाएंगी ओआरसी के साथ में। एमसीएम क्या आपका डीएनए हेलिकेज है, हेलिकेज की लोड कर दी जाएगी ओआरसी CD6 और CDT1। CDT1 क्या है आपका, हेलिकेज लोडर है। ठीक है, एमसीएम लोड हो जाएगी, ओआरसी CD6 और CDT1 हेलिकेज मूव करती है लीडिंग स्ट्रैंड पर। दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, लैगिंग लीडिंग, एक होता है कंटिन्यूअसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, उसे हम कहेंगे लीडिंग सीक्वेंस, और दूसरा होता है जिसमें ओकाज़ाकी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जिसे हम कहेंगे लैगिंग सीक्वेंस, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी प्रोटीन, CDC6 प्रोटीन, CDD प्रोटीन, और क्या हो गया एक आपका ORC। ठीक है, इसके साथ में हो जाएगा MCM लोड, लोडिंग हो जाएगी MCM की, देन क्या हो जाएगा DNA का जो डबल हेलिक्स DNA वो सेपरेट होता जाएगा और मेल्ट होता जाएगा, DNA का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे थे, अनस्टेबल प्रोटीन है, ATP कंडीशन में बाउंड होगी, उस समय बाद ये क्या हो जाएगी, इसकी ATPase होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी, देन ये वापस से अपनी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी ORC के साथ में। ORC क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। डिग्रेडेशन CDC6 का क्या करके रखता है, री इनिशिएशन स्टेप को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, वापस से रेप्लिकेशन स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए इसका जो ATPase एक्टिविटी होती है वह एक्टिव होती है, ब्रेकडाउन करके रखती है ATP का। ठीक है, यहाँ तक होगा आपका ये कंप्लीट। अब इस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, इससे आगे फिर मैं बढ़ूँ। DNA पॉलीमरेज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आगे आपको समझ में, या फिर एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। देखो इकोलाई और यूकेरियोट दोनों के अंदर हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकॉन या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक पर्टिकुलर साइट जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन कहेंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। यूकैरियोट कैसे होते हैं, मल्टी रेप्लिकॉनिक होते हैं। प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, मोनोरेप्लिकॉनिक होते हैं। इकोलाई का जीनोम साइज कितना होता है, 4.6 मेगा बेस पेयर का होता है, जबकि यूकैरियोट जो ARS है इसका कितना होता है, सॉरी यूकैरियोट इकोलाई वो 40 to 100 KB साइज का होता है। ठीक है, ईस्ट का सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन, ये जितनी भी कहानी है ये किसकी है, अभी ओरिजिन की है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। इकोलाई में जो ओरिजिन सीक्वेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ORIC कहा जाता है। ORIC के अंदर ही 245 बेस पेयर का DNA होता है जिसमें ORIC प्रेजेंट होते हैं। इसमें होते हैं आपके 9-mer और 13-mer के रिपीट होते हैं, 9-mer की 5 कॉपी होती है और 13-mer की 3 कॉपी होती है, किसमें, इकोलाई में। और जो ओरिजिन होता है इकोलाई में उसे क्या कहा जाता है, ORIC कहा जाएगा। ठीक है, यूकैरियोट की हम बात करें, यूकैरियोट में ORIC जो होता है उसे क्या कहा जाता है, ARS कहा जाएगा। ARS में होते हैं आपके एडोमेन, पीडोमेन और सीडोमेन। एडोमेन और बीडोमेन से ही DNA की अनवाइंडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे ARS कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं और DNA अनवाइंडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे DNA ए प्रोटीन आकर के बाइंड करती है, इसमें ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ में CDC6 प्रोटीन बाइंड होती है, एक हम कह सकते हैं बेस तैयार किया जाएगा, 3-4 प्रोटीन आपस में मिलेंगे, देन लोड करेंगे हेलिकेज को, हेलिकेज लोड हो जाएगी, देन क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो CDC6 प्रोटीन हो गई और ORC हो गया और CDT1 हो गई। CDT1 क्या है, हेलिकेज लोडर होती है। MCM क्या है, इसमें हेलिकेज है, हेलिकेज को लोड कर दिया जाएगा और हेलिकेज लोड होने के बाद में CDC6 की जो ATPase एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाएगी, देन वो क्या हो जाएगी, इससे अलग हो जाएगी। अलग होना क्यों जरूरी है इसका, ताकि नेक्स्ट राउंड जो रेप्लिकेशन का वो स्टार्ट ना हो पाए। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया, ये रेज कर दूँ मैं। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा, DNA पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन कर रहे हैं DNA का, DNA से DNA बना रहे हैं, तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम की तो जरूरत पड़ेगी। बिना एंजाइम के हम कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते। एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी इन द शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, टाइम तो लगेगा इसको रेप्लिकेशन में, कम से कम 2 दिन तो चाहिए, इतना तो लगेगा गाइस। DNA पॉलीमरेज, 2 मिनट रुकिए।
पानी पीने गई थी गाइस मैं, तो डीएनए पॉलीमरेज ये तो रही गया। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, रेप्लिकेशन तो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। कितने टाइप का है, फर्स्ट 5 टाइप का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और हो गया आपका फिफ्थ, 5 टाइप के हैं। अब ये भी हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज कितने हुए आपके, टेम्पलेट डिपेंडेंट। टेम्पलेट हम जैसे कि पेरेंट है ना हमारा, उसे हम टेम्पलेट कह रहे हैं। जैसे दो स्ट्रैंड हैं सेपरेट हो जाएंगे, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, नए की कॉपी सिंथेसिस हो जाएगी। ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा, नए की कॉपी सिंथेसिस हो जाएगी। जो पेरेंटल जो पार्ट होता है उसे टेम्पलेट की तरह हम कहेंगे। तो जिसको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होगी वह क्या होगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट होगा। और कुछ क्या होंगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, जिनको इंडिपेंडेंट, जिनको टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे हम, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। अब टेम्पलेट डिपेंडेंट जो डीएनए है उनको क्लासिफाई किया जाएगा डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट। टेम्पलेट में भी या तो डीएनए को रीड करके डीएनए बनाएगा या फिर आरएनए को रीड करके डीएनए बनाएगा। तो ये दो टाइप के हो गए, टेम्पलेट डिपेंडेंट हो गया आपका, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए गाइस मैंने ना ये चैनल अपना बिल्कुल बंद ही कर दिया, लगभग 1 साल से तो हो ही गई होगी, 7-8 महीने हो गए कम से कम, तब से मैंने ये पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं आते ना कमेंट। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था स्टूडेंट का कि मैं कब से स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिला, फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से। देन हम बात कर रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए को रीड करके, डीएनए को रीड करेगा और क्या करेगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए को रीड कर रहा है लेकिन सिंथेसिस क्या करेगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज होता तो आरएनए सिंथेसाइज करता, लेकिन ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए को रीड करके डीएनए की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहे हैं, डीएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं आरएनए से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रीड करेंगे आरएनए को सिंथेसिस करेंगे डीएनए को, ऐसे एंजाइम को क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसे क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाएगा। इसको किसने दिया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिया था, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के पास में क्या पाए जाते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोट के पास में भी और यूकैरियोट के पास में भी, ठीक है। रेप्लिकेशन जहां से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेसिस कहा जाएगा। और यहां पे कितने दिए गए हैं आपके बुक में, प्रोकैरियोट में दिए गए हैं ये 5 टाइप के और यूकैरियोट के हैं आपके पीछे जो दे रखे हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हो गया और डेल्टा हो गया और एप्सिलॉन हो गया और गामा हो गया, ये हैं आपके यूकैरियोट के, ठीक है। तो दोनों को बताऊंगी फिर हम रेप्लिकेशन देखेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर रेप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट के देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में कितने हैं आपके, डीएनए पॉलीमरेज हैं 5, यहाँ लिख देते हैं एक एक, फर्स्ट एक्सप्लेन कर देते हैं पहले, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास में क्या क्या पाया जाता है, 5' to 3' डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। और एक होती है 5' to 3' इसके पास में क्या होती है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक्सो मतलब कि बाहर से, न्यूक्लियस मतलब कि नाइट्रोजन जो बेसिस हैं डीएनए के बेसिस, उनको कट करने की
डीएनए ये हो गया, डीएनए के पास में 5' हो गया, हो गया 3' हो गया। अब 5' to 3' मैक्रो न्यूक्लियर जो एक्टिविटी है ये क्या करेगी, 5' स्ट्रैंड से कट करेगा 3' की तरफ, ठीक है। एक हो गया 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी, ये क्या करेगी 3' से कट करेगा 5', ठीक है। 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और 5' to 3' जो एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी है ये किस में हेल्प करती है, प्राइमर रिमूवल में हेल्प करती है, प्राइमर रिमूवल में हेल्प करेगी। 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज जो है ये है गैप फिलिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखा गया, कट किया गया इसको, ये क्या है डीएनए पॉलीमरेज वन क्या है, इसकी किसने की थी, हाँ इसे ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने भी इसको डिस्कवर किया था, ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज वन को किसने डिस्कवर किया था, रेड मार्कर का है, आर्थर कॉर्नबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज वर्ग एंजाइम को क्या कहा जाता है, इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है, इसे नॉन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया प्रोटीएज के साथ, इसको कट किया गया, ठीक है। तो इसके हमें दो फ्रैगमेंट मिले, डीएनए पॉलीमरेज जो वन है इसको कट किया गया, डीएनए पॉलीमरेज वन इसको प्रोटीएज के साथ, प्रोटीएज प्रोटीन डिग्रेडिंग जो एंजाइम से उन्हें क्या कहेंगे, प्रोटीएज कहेंगे, प्रोटीएज के साथ में इसको डिग्रेड किया गया लाइक सबटिलिसिन और ट्रिप्सिन, सबटिलिसिन सबटिलिसिन और ट्रिप्सिन के साथ इसको कट किया गया। तो हमें दो फ्रैगमेंट मिलेंगे, एक होगा आपका एन एंड सेकंड होगा, एक होगा वह क्या होगा सी होगा, तो एन टर्मिनल फ्रैगमेंट होगा और एक होगा सी टर्मिनल फ्रैगमेंट, जो लार्ज होगा वह होगा सी टर्मिनल फ्रैगमेंट, ठीक है। एक हमें मिलेगा सी टर्मिनल फ्रैगमेंट जिसे क्या कहेंगे हम, लार्ज फ्रैगमेंट कहेंगे एंड जो सेकंड होगा वह क्या होगा, एन टर्मिनल फ्रैगमेंट, ठीक है। एंड टर्मिनल फ्रैगमेंट कैसा होगा, स्मॉल फ्रैगमेंट होगा। तो जो सी टर्मिनल फ्रैगमेंट होगा इसके पास में क्या क्या एक्टिविटी पाई जाएंगी, 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, इसके पास में 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी और एक होगी 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी, ठीक है। और जो एंड टर्मिनल स्मॉल जो फ्रैगमेंट होगा उसके पास में क्या होगी, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी जो एंड टर्मिनल होगा, ठीक है। 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज वाला हम जो है वो देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है उसका हम डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 4 और 5 इनका हम रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं करते हैं। मेन जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वह कौन सा है, तीसरा है, लेकिन इनके सबके बारे में हमें जानना जरूरी है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं यूज़ करते हैं, एक तो ये हो गया कि डीएनए जो पॉलीमरेज वन है इसकी क्या है, लो प्रोसेसिविटी होती है इस एंजाइम की और लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है, इतना जल्दी यह पॉलीमराइज नहीं कर पाता है, कम समय में ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाएगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम है इसके पास में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इसकी क्या होती है, लो प्रोसेसिविटी एंड लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है, ठीक है। इसलिए इसको रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं किया जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट किस में यूज़ किया जाएगा, एक तो प्राइमर रिमूवल में हेल्प करते हैं और गैप फिलिंग में इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। लो प्रोसेसिविटी होती है और लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है, इसलिए कुछ ही न्यूक्लियोटाइड को पर बाइंडिंग इवेंट क्या कर पाता है, ये ऐड कर पाएगा। इसलिए इसका किस में फंक्शन में यूज़ किया जाएगा, प्राइमर रिमूवल में और गैप फिलिंग में और डीएनए रिपेयर में। इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है इस एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज वन का यूज़ किया जाएगा प्राइमर रिमूवल। अब बताओ प्राइमर रिमूवल में कौन सी एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी काम आएगी, 5' to 3' एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी, ठीक है। और गैप फिलिंग में कहाँ आएगी, गैप फिलिंग में आएगी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी।
ठीक है, और डीएनए रिपेयर में, डीएनए रिपेयर, जब डीएनए रिपेयर पढ़ाऊंगी मैं आपको तब आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज वन हो गया। डीएनए पॉलीमरेज को किसने डिस्कवर किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। आपको इसमें मेन जो फंसाया जाता है कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज़ के पास में पाई जाती हैं। सबसे फर्स्ट हो गई आपकी 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है 5' to 3', 3' to 5' पॉली जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो मोस्टली सबके अंदर प्रेजेंट होती है। कॉर्नबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था, इसके पास में तीन एक्टिविटीज़ पाई जाएंगी। ठीक है, सी टर्मिनल जो है वो इसको याद कर लेना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 5 to 3 पॉलीमरेज और 3 to 5 एक्सो होती हैं। एन के पास में होती हैं 5 to 3 एक्सो होती हैं। लो प्रोसेसिविटी, लो पॉलीमराइजेशन रेट, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई नॉट यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज वन एंजाइम। ठीक है, बिकॉज लो प्रोसेसिविटी एंड लो पॉलीमराइजेशन रेट, सो डोंट यूज। प्राइमर रिमूवल में इसका यूज़ किया जाएगा, गैप फिलिंग में यूज़ किया जाएगा और डीएनए रिपेयर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के पास में क्या नहीं होती है, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस, ये इसके पास नहीं होती है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस जो है एक्टिविटी है ये वाली। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इसके पास में कौन कौन सी दो एक्टिविटी पाई जाएंगी, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, ये हो गई। इसके पास में भी क्या होती है, लो होती है इसकी पॉलीमराइजेशन रेट एंड लो होती है इसकी प्रोसेसिविटी। लो प्रोसेसिविटी और लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, इसलिए इसका भी क्या नहीं किया जाता है। पर बाइंडिंग इवेंट कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाता है, ये 1000 न्यूक्लियोटाइड। लो पॉलीमराइजेशन रेट होती है, 1000 न्यूक्लियोटाइड ही ऐड कर पाएगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है इन पर बाइंडिंग इवेंट। ठीक है, पर बाइंडिंग इवेंट कितने करेगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसका कब यूज़ किया जाएगा, डीएनए रिपेयर में ही इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीएनए रिपेयर। इसके बाद में आपको 4 and 5 कराऊंगी पहले, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कराऊंगी, क्योंकि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। डीएनए पॉलीमरेज 4, ये रफ कर दूँ, सॉरी गाइस, मैंने पूछा नहीं आपको। डीएनए पॉलीमरेज 4 की हम बात कर रहे हैं। 4 देखिए, डीएनए पॉलीमरेज जो 4 है इसे हम क्या कहेंगे, 4 and 5 इन्हें क्या कहा जाता है, वाई फैमिली के डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। 4 and 5 को UMUD2C फैमिली कहा जाता है, या फिर इन्हें वाई फैमिली का डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। इनका कब यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में, मतलब कि कहीं डैमेज हो गया है डीएनए, ठीक है, तो नॉर्मल रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, बाईपास किया जाता है डैमेज न्यूक्लियोटाइड को बाई 4 and 5 डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। ये कब होती है, जब डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए के अंदर, डैमेज जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, या फिर डैमेज जो न्यूक्लियोटाइड को क्या किया जाएगा, बाईपास किया जाएगा। नॉर्मल रेप्लिकेशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, नॉट यूज इन नॉर्मल रेप्लिकेशन। मोस्टली इसका यूज़ किस में किया जाएगा, इन डीएनए रिपेयर में यूज़ किया जाता है, बाईपास करने में, डैमेज न्यूक्लियोटाइड को बाईपास करने में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलेशन सिंथेसिस एंड रेप्लिकेट करते हैं डैमेज डीएनए बाई बाईपास। ठीक है, किस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस कैसे करते हैं, बाईपास दी डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है।
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये आप किसके पढ़ रहे हैं, इकोलाई के। प्रोकैरियोट का है डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द प्राइमरी एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये क्या है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट या फिर इकोलाई। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब इसके पास में कितने 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसके पास में, 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड हैं। 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड में आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। अल्फा एप्सिलॉन थीटा, अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, थीटा हो गया, टॉ साइन काई, टॉ गामा साइन काई, बीटा डेल्टा डेल्टा प्राइम, बीटा डेल्टा और डेल्टा प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड मिलकर के कैटालिटिक यूनिट बनाते हैं जिनका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है इसका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब तक हमने इतने एंजाइम देखे उनकी क्या थी, पॉलीमराइजेशन रेट और जो प्रोसेसिविटी थी वो क्या थी, स्लो थी, इसलिए हम उनका रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली है कि इसका जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी पॉलीमराइजेशन रेट और प्रोसेसिविटी रेट क्या होगी, हाई होगी। इसकी क्या होती है, हाई होती है प्रोसेसिविटी एंड पॉलीमराइजेशन रेट, पॉलीमराइजेशन रेट एंड प्रोसेसिविटी रेट क्या होती है इसकी, हाई होती है, इसलिए इसका रेप्लिकेशन में यूज़ किया जाएगा। हाई प्रोसेसिविटी होती है मतलब कि रेप्लिकेशन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या की जाती है, इंक्रीज करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन की रेट को ये इंक्रीज कर देता है एंजाइम और ये एक बार में प्रोसेसिविटी कितनी होती है इसकी, एक बार में 50,000 न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, रीड करता है और ऐड करता है 1,000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड पर बाइंडिंग इवेंट में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके पास में कंप्लीट ये जो यूनिट है मल्टी प्रोटीन एंजाइम है, इसके पास में कैटालिटिक यूनिट कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं इसके पास में, कैटालिटिक कोर, कंप्लीट होलो एंजाइम हम इसे क्या कहेंगे, होलो एंजाइम की आपको बताते हैं, होलो एंजाइम। इसके पास में दो क्या होती हैं, कैटालिटिक कोर, कैटालिटिक कोर। ठीक है, कैटालिटिक कोर होती हैं दो और इसके पास में क्या होते हैं, दो होती हैं कॉपी, कैटालिटिक कोर की दो कॉपी होती हैं डाइमराइजेशन कंपोनेंट की, टू होती हैं इसके पास में कॉपी किसकी, डाइमराइजेशन की, डाइमराइजेशन कंपोनेंट की दो कॉपी होती हैं और दो कॉपी होती हैं प्रोसेसिविटी की और एक कॉपी होती है क्लैंप लोडर की, दो होती हैं प्रोसेसिविटी की और एक कॉपी होती है क्लैंप लोडर की, एक कॉपी होती है क्लैंप लोडर की। अब कैटालिटिक कोर में आपके आएंगे अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, अल्फा एप्सिलॉन और थीटा क्या होते हैं आपके कैटालिटिक में आएंगे, कैटालिटिक कोर में कौन कौन सी आएंगे आपकी, तीन सब यूनिट होती हैं अल्फा एप्सिलॉन और थीटा। ठीक है, अल्फा हो गया, एप्सिलॉन हो गया और थीटा हो गया। ठीक है, डाइमराइजेशन में आपका कैटालिटिक कोर में होंगे आपके अल्फा एप्सिलॉन थीटा और दो कॉपी होती है डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन में कौन हेल्प करता है, टॉ, टॉ क्या करेगा डाइमराइजेशन में हेल्प करेगा। प्रोसेसिविटी जो कंपोनेंट है वह क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप होती है, स्लाइडिंग क्लैंप और एक कॉपी क्या होती है क्लैंप लोडर की, क्लैंप लोडर में होंगे आपके अल्फा नहीं गामा डेल्टा साइन काई डेल्टा प्राइम, क्लैंप लोडर में इसे गामा क्लैंप लोडर भी कहेंगे, गामा डेल्टा डेल्टा प्राइम, गामा डेल्टा डेल्टा प्राइम साइन और काई, साइन और काई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसमें बीटा, बीटा किस में हेल्प करेगा, प्रोसेसिविटी में, बीटा क्लैंप लोडर जिसे कहा जाएगा।
एक होगी बीटा, ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। देखिए डीएनए पॉलीमरेजन थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट में। इसके पास में 10 डिफरेंट पॉली पेप्टाइड होती हैं, अल्फा एप्सिलॉन थीटा, देखिए मैंने कैसे याद किया इसको, अल्फा एप्सिलॉन थीटा बीटा डेल्टा डेल्टा प्राइम साई काई टॉ साई काई एक भूल गई साई काई टॉ और गामा, अल्फा एप्सिलॉन थीटा और साई काई गामा बीटा डेल्टा डेल्टा प्राइम टॉ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर लेना, ठीक है। हाई प्रोसेसिविटी और हाई पॉलीमराइजेशन रेट होती है, इसकी प्रेजेंस में रेप्लिकेशन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दो, अब देखिए इसमें से अलग अलग यूनिट का काम किया, अल्फा एप्सिलॉन थीटा किसमें इन्वॉल्व होती है, कैटालिटिक कोर होती है, कैटालिटिक कोर इनका फंक्शन बताऊंगी क्या क्या है, डाइमर में हेल्प करती है, देखिए दोनों की साथ साथ चलती है 5' to 3' और 3' to 5', तो डाइमराइजेशन में हेल्प करती हैं टॉ, और दो प्रोसेसिविटी बीटा जिसे स्लाइडिंग क्लैंप कहा जाएगा, स्लाइडिंग क्लैंप, और इस जो बीटा क्लैंप है इसको लोड किया जाता है डीएनए के ऊपर विद द हेल्प ऑफ क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर को इसे गामा क्लैंप लोडर भी कहा जाता है, गामा क्लैंप लोडर भी कहा जाएगा, इसमें होंगे आपके गामा डेल्टा डेल्टा प्राइम साई और काई, ठीक है। अब ये जो ये तीनों ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं, कंप्लीट होलो एंजाइम बनाएंगे, होलो एंजाइम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, कंप्लीट होलो एंजाइम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया ये। अब इसमें क्या होगा, दो कैटालिटिक जो कोर हैं इनके पास में जो अल्फा है इनका एक्टिविटीज मैं आपको बता देती हूँ, जो अल्फा है अल्फा के पास में होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, अल्फा जो है इसमें होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, एप्सिलॉन के पास में होती है 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी, 3 to 5 एक्सो को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, 3' to 5' एक्सो एक्टिविटी इसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। प्रूफ रीडिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब डीएनए की सिंथेसिस होती है 5' to 3', ठीक है, 3' पर जब कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो 3' to 4' एक्सो न्यूक्लियस उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, सही कर देता है, करेक्शन में हेल्प करता है, इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और जो थीटा है यह क्या करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को इन्हांस करता है, थीटा क्या करता है, इन्हांस करेगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को, ठीक है। दो कैटालिटिक जो कोर हैं इनको आपस में, दो कैटालिटिक कोर हैं, ठीक है, एक कैटालिटिक कोर हो गई, एक ये कैटालिटिक कोर हो गई, इनको आपस में लिंक किसके द्वारा किया जाएगा, इनको आपस में लिंक किया जाएगा बाय क्लैंप लोडर, दो बीटा क्लैंप इंटरैक्ट करेंगी, एक स्लाइडिंग क्लैंप होगी पर कैटालिटिक कोर, एक जो कैटालिटिक कोर है इसके पास में एक स्लाइडिंग क्लैंप होगी, स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पे एक होगी स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है। स्लाइडिंग क्लैंप में क्या है, हमारी बीटा क्लैंप है, और इसकी प्रेजेंस में क्या की जाती है, प्रोसेसिविटी इंक्रीज की जाएगी, और ये क्लैंप को लोड किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है लोड की जाएंगी बाय क्लैंप लोडर। टॉ का काम क्या है, डाइमराइजेशन कंपोनेंट, डाइमराइजेशन में हेल्प करेगा, डाइमराइजेशन कंपोनेंट टॉ, ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव, हम सेकंड थर्ड फर्स्ट का क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास में लो पॉलीमराइजेशन लो प्रोसेसिविटी होती है, ठीक है, थर्ड का ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हाई पॉलीमराइजेशन हाई प्रोसेसिविटी रेट होती है। पॉलीमराइजेशन रेट क्या है आपकी, पर बाइंडिंग इवेंट कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, ठीक है, और जो प्रोसेसिविटी है कितने न्यूक्लियोटाइड को कवर कर रहा है, बाइंड कर रहा है, तो एक साथ कितने न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंड हो रहा है, ये हो गई प्रोसेसिविटी। कितने 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड है इसके पास में, अल्फा एप्सिलॉन थीटा टॉ साई काई एप्सिलॉन बीटा डेल्टा डेल्टा प्राइम, ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग।
ठीक है, दो कैटालिटिक कोर होती है इसके पास में। कैटालिटिक कोर में हो गई आपकी अल्फा एप्सिलॉन थीटा, अल्फा में हो गई आपकी 5'-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और जो एप्सिलॉन है इसके पास में होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अल्फा के पास में होती है 5'-3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, तभी तो डीएनए को क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है। और 3-5 एक्सो के पास में होती है अल्फा, थीटा क्या करता है प्रूफ रीडिंग को एनहांस करेगा। डाइमर क्या करता है, जोड़ता है दो कैटालिटिक कोर को। प्रोसेसिविटी है बीटा क्लैंप, बीटा क्लैंप की प्रेजेंस में जो प्रोसेसिविटी है, हाई प्रोसेसिविटी और पॉलीमराइजेशन रेट, प्रोसेसिविटी रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसमें कौन इन्वॉल्व होती है, बीटा जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर का काम है ये स्लाइडिंग क्लैंप है, ये बीटा क्या है, स्लाइडिंग क्लैंप है, स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है। क्लैंप लोडर क्या करेगा, इसको लोड करेगा, गामा डेल्टा डेल्टा प्राइम साई काई, ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। इससे आगे यूकैरियोट्स के मैं आपको क्या कराऊंगी, अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आज इतना ही गाइस, प्लीज शेयर माय चैनल, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।